दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ऑयली, जंक फूड और एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल हमारे लिए कई तरीके के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी डेली हैबिट्स के बारे में जिसके बारे में ज्यादातर लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं है और जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं सुंदरयाल फिटशाला। दोस्तों, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में हम जो भी वीडियोस पोस्ट करें उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे है पुअर हैंड पोजीशन। दोस्तों, हम सभी ने सुना होगा कि कंप्यूटर के आगे ज्यादा देर बैठना हमारी आंखों के लिए ठीक नहीं होता, लेकिन ज्यादातर कंप्यूटर पे काम करने वाले लोगों को हाथों और उंगलियों में पेन रहता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गलत तरीके से टाइप करना, गलत तरीके से माउस का इस्तेमाल करना इसका एक मेन रीजन हो सकता है। इसलिए हमें कंप्यूटर का यूज करते वक्त प्रॉपर ब्रेक, प्रॉपर हैंड पोजीशन और एक प्रॉपर पोस्चर में रहना चाहिए। दूसरे नंबर पे है स्किपिंग ब्रेकफास्ट। दोस्तों, ब्रेकफास्ट दिन का एक इम्पोर्टेंट मील होता है जो कि हमें दिन भर एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए अगर हम अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो हमें कई तरीके की प्रॉब्लम्स जैसे कि स्ट्रेस, मूड स्विंग्स और वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तीसरे नंबर पे है यूज ऑफ कैश मशीन्स। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग ATM मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक वॉशरूम्स एंड ATMs कीपैड पे सेम तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमें काफी ज्यादा बीमार कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें, आप जब भी ATM मशीन्स का इस्तेमाल करें तो उसके बाद अपना हैंड सैनिटाइज या वॉश जरूर करें। चौथे नंबर पे है हैवी बैग्स ऑन वन शोल्डर। दोस्तों, स्कूल, कॉलेजेस एंड ट्रैवल के लिए हम सभी को बैग्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बैग्स को सिर्फ एक शोल्डर पे कैरी करना आपकी नेक की पोजीशन को खराब करता है और हमारी कुछ ऐसी नर्व्स पे प्रेशर डालता है जो हमारी आर्म्स की सेंसेशन को कम कर सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमारे बैग्स 10% बॉडी वेट से ज्यादा नहीं होने चाहिए और जितना हो सके अपने बैग्स को दोनों शोल्डर्स पर कैरी करिए। पांचवे नंबर पे है डोंट स्लीप ऑन काउच। दोस्तों, ज्यादातर लोग एक बिजी स्केड्यूल के बाद टीवी देखते हुए काउच पर ही सो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हैबिट आपकी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। एक प्रॉपर स्लीप हमेशा बेड पे ही लेनी चाहिए। एकदम से ही काउच या सोफे से सीधा बेड पे सोने से हमारे बॉडी स्ट्रक्चर पे काफी लोड पड़ता है, जिससे हमें बैक पेन हो सकता है और हमारे इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म पे भी काफी फर्क पड़ता है। स्टडीज के मुताबिक जो लोग 7 से 8 घंटे की हेल्दी स्लीप नहीं लेते उनमें हार्मोनल इंबैलेंस जैसी प्रॉब्लम्स पाई जाती है। छठे नंबर पे है ईटिंग टू क्विकली। दोस्तों, कभी कभार स्कूल, कॉलेज या ऑफिस के लिए लेट होने की वजह से हम अपनी मील्स को जल्दी जल्दी खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जल्दी जल्दी खाना खाने से आपको एसिडिटी एंड ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है और कभी कभी वॉमिटिंग भी फील हो सकती है। दोस्तों, जल्दी खाने से हमें वेट गेन जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, इसलिए हमें अपनी हर मील को एंजॉय करना चाहिए और उसे धीरे धीरे खाना चाहिए। सातवें नंबर पे है प्लास्टिक कंटेनर्स। दोस्तों, क्या आप हेल्दी एंड बैलेंस डाइट के लिए अपनी मील्स पैक करके स्कूल या ऑफिस ले जाते हैं? बैलेंस डाइट एक हेल्दी शरीर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो प्लास्टिक कंटेनर्स हम यूज करते हैं वो हमारी हेल्थ पे काफी नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। इन प्लास्टिक कंटेनर्स में BPA मौजूद हो सकता है, इसलिए अगर आप प्लास्टिक कंटेनर्स यूज करते हैं तो ध्यान रखिए कि वो BPA फ्री हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ डेली हेल्दी टिप्स। ऐसे ही फ्री हेल्दी टिप्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ येस, डू हिट द लाइक बटन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।